मेल के स्टार क्या है यार ये ए? क्या तमाशा है? अरे जिस माँ बाप ने तुम्हें धुआं मांग मांग कर मन्नतें मांग मांग कर कोशिश कर करके और तड़प तड़प के पाला और पढ़ाया, आज अपनी थोड़ी सी ख्वाहिश को पूरा करने के लिए माँ बाप का कत्ल करोगे? अरे भाई तुम्हारे घर में छोटे भाई बहन होंगे, बोलो हाँ, उनको पालने में माँ बाप को कितनी तकलीफ होती है कुछ जानते हो आप? तुम एक घंटे अपने छोटे भाई बहन को नहीं संभाल सकते। तुम्हारी भी किसी वक्त उम्र 2 माह 6 माह 2 साल की थी जब घर में खड़े खड़े पेशाम कर दिया करते थे, खाने पीने की चीज को उलट पलट कर दिया करते थे, रात में 2-3 बार दपक जग कर माँ को परेशान कर दिया करते थे। अरे तुम बीमार होते थे, तुम दर्द के मारे चीखते थे, तुम बोल नहीं सकते थे। तुम्हारे मुंह में दर्द होता तुम बोल नहीं सकते थे, तुम्हारे मेंड में दर्द होता तुम बोल नहीं सकते थे। हाँ भाई हाँ, तुम्हें सर्दी लगती थी तुम तब भी बोल नहीं सकते थे, तुम्हें गर्मी लगती थी तुम तब भी बोल नहीं सकते थे, यहाँ तक कि तुम्हें भूख लगती थी तुम तब भी बोल नहीं सकते थे। मगर तब भी तुम्हारे माँ बाप, जब तुम नहीं बोलते थे तब भी तुम्हारे माँ बाप तुम्हारी बातों को समझते थे, मगर जब तुम आज बोलते हो तो तुम्हारे माँ बाप से बोलते हो कि तुम्हारी बातों को नहीं समझते। अरे वो तब भी तुम्हारी बातों को समझते थे जब तुम नहीं बोलते थे, क्या आज नहीं समझते होंगे? समझते हैं, लेकिन तुम नहीं समझते। अरे तुम्हारे माँ बाप तुम्हारे बारे में क्या भला चाहते हैं कुछ जानते हो? माँ बाप की इज्जत करना सीखो, माँ बाप का रेस्पेक्ट करना सीखो। अरे माँ बाप को नाराज करने की एक ऐसी सजा है कि माँ बाप को नाराज करके मर गए तो यकीन मानो मर जाओगे इस दुनिया से। अरे किताबों में लिखा है कि गुनाह करके भगवान सजा देता है, उसी प्रकार माँ बाप को नाराज करके मर गए तो यकीन मानो कि भगवान तो सजा देता ही देता है, लेकिन इस संसार में भी सजा देखने को मिलती है। अरे क्या नहीं दिया हमारे माँ बाप ने, ये पैंट, ये शर्ट, ये संसार, ये दंदौलत, बढ़िया कॉलेज, बढ़िया स्कूल, बढ़िया रोटी, बढ़िया खाना, सब कुछ हमारे माँ बाप ने दिया है। अरे पता है तुम्हें माँ पैदा करते वक्त तुम्हें कितनी तकलीफ सहनती है, तुम्हें पैदा करते वक्त कितना दर्द सहन करती है कुछ जानते हो आप? एक सैनिक युद्ध में जितनी तकलीफें झेलता है उससे कई हजार गुने तकलीफें माँ तुम्हें पैदा करते वक्त झेलती है, लेकिन तब भी तुम्हें जन्म देती है। क्यों देती है? इससे पहले कि मैं बता दूं कि इंसान 45 मिनट तक लगातार दर्द सहन करता है तो इसकी मृत्यु हो जाती है, लेकिन पता है माँ जब तुम्हें पैदा करती है जब कितना दर्द सहन करती है? अरे 56 मिनट तक वो लगातार दर्द सहन करती है, लेकिन वो तब भी तुमको जन्म देती है। क्यों देती है यार, क्यों देती है? अरे छह महीने तुम छोटे थे, 6 महीने अपने स्तन का दूध पिलाया था तुम्हें, मगर जब 6 महीने अपने स्तन का दूध पिलाया, लेकिन तुम आज माँ बाप के लिए भैंस बकरी गाय तक की चाय तक नहीं पिला सकते? अरे क्या है यार, तुम बच्चे थे माँ की उंगली को यो पकड़ के चलते थे यो, मगर जब तुम आज बड़े हो गए तो माँ बाप यो करते हो, क्यों करते हो भाई, क्यों करते हो? जब तुम्हें हमेशा पता है कि घी हमेशा सीधी उंगलिया से नहीं निकलता है, उंगलिया हमेशा टेढ़ी करनी पड़ती है, फिर ऐसा क्यों करते हो यार, क्यों करते हो? अरे तुम माँ बाप को उल्लू बनाकर, माँ बाप को उल्लू बनाकर जाल में फंसाकर उनसे 100,000-500 रुपए ले जाते हैं और बाजार में घूमते, उनकी सिगरेट पीते, बीड़ी पीते, बीजा खाते, बर्गर खाते, छोले भटूले खाते। अरे कभी माँ बाप के लिए लाए छोले भटूले? वो 1,000 रुपये, वो 500 रुपये, वो 100 रुपये किसके थे? माँ बाप के थे। उनने किस किस कैसे कैसे मेहनत करके वो 100,000-500 रुपये आपको दिए थे। आप बर्गर पीते हैं, सिगरेट उसमें उड़ा देते हैं, कभी माँ के लिए पिज्जा लाए? कभी माँ के लिए बर्गर लाए? अरे माँ तो जानती नहीं कि पिज्जा बर्गर छोले भटूले होते क्या है। अरे तुम्हें बढ़िया 4G 5G 6G यहाँ तक कि 6G फोन दिलाते हैं और खुद अपनी टेम्परेरी मोबाइल से अपना जीवन यापन करते हैं। यार दोस्तों अगर मेरी वीडियो अगर आपको सही लगी हो तो लाइक करें, सब्सक्राइब करें और कमेंट करें और देखें जरूर। जय हिंद। जब भारत तैरना है तो समुद्र में तैरो, इन नदी नालियों में क्या रखा है? प्यार करना है तो अपने माँ बाप से करो, इस दुनियादारी में क्या रखा है?